शशि कपूर की जीवनी। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को कलकत्ता, ब्रिटिश भारत में बलबीर राज कपूर के रूप में हुआ था। वे पृथ्वीराज कपूर के सबसे छोटे बेटे और राज कपूर और शम्मी कपूर के भाई थे। प्रतिष्ठित कपूर परिवार से आने वाले शशि ने 1948 में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। अपने भाई राज कपूर की पहली निर्देशित फिल्म आग में अभिनय किया। एक प्रमुख अभिनेता के रूप में शशि कपूर का करियर 1961 में यश चोपड़ा की धर्मपुत्र से शुरू हुआ। हालांकि 1965 में उन्होंने दो ब्लॉकबस्टर वक्त और जब जब फूल खिले के साथ खुद को एक स्टार के रूप में स्थापित किया। बाद में उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हिंदी के लिए BFJ पुरस्कार मिला। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में उतार चढ़ाव भरी सफलता के बाद शशि कपूर ने 1974 में चोर मचाए शोर के साथ एक महत्वपूर्ण वापसी की। इस सफलता के बाद दीवार 1975 और कभी कभी 1976 जैसी कई हिट फिल्में आईं, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। अपने करियर के दौरान शशि कपूर ने त्रिशूल 1978, काला पत्थर 1979 और नमक हलाल 1982 जैसी कई सफल फिल्मों में अभिनय किया। उन्हें अमिताभ बच्चन के साथ उनके सहयोग के लिए विशेष रूप से जाना जाता था, जो एक हिट जोड़ी थी जिसने हिंदी सिनेमा को कई प्रतिष्ठित फिल्में दी। मुख्य धारा की बॉलीवुड फिल्मों के अलावा शशि कपूर समानांतर सिनेमा में अपने काम के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने जुनून 1978, कलयुग 1981 और 36 चौरंगी लेन 1981 जैसी समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों का निर्माण और अभिनय किया। न्यू दिल्ली टाइम्स 1986 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। शशि कपूर के निजी जीवन में 1958 में अंग्रेजी अभिनेत्री जेनिफर केंडल से उनकी शादी हुई। उनके 3 बच्चे थे, कुणाल, करण और संजना। साथ में उन्होंने 1978 में मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। 1984 में कैंसर से जेनिफर की मौत ने कपूर को बहुत प्रभावित किया, जिससे वे अवसाद में चले गए। अपने करियर के उत्तरार्ध में शशि कपूर ने आर्ट हाउस सिनेमा पर अधिक ध्यान केंद्रित किया और कम मुख्यधारा की भूमिकाएं निभाईं। उनकी अंतिम फिल्में जिन्ना, साइड स्ट्रीट्स और घर बाजार थीं, जो सभी 1998 में रिलीज हुईं, जिसके बाद उन्होंने अभिनय से संन्यास ले लिया। अपने करियर के दौरान शशि कपूर को कई पुरस्कार मिले। उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2011 में पद्म भूषण और 2014 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 2010 में फिल्मफेयर लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला। शशि कपूर का 4 दिसंबर 2017 को मुंबई में लीवर सिरोसिस के कारण निधन हो गया। उन्होंने भारतीय सिनेमा के सबसे महान अभिनेताओं में से एक के रूप में एक विरासत छोड़ी, जो वाणिज्यिक और समानांतर सिनेमा दोनों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाने जाते हैं। रंगमंच के प्रति उनका समर्पण, विशेष रूप से पृथ्वी थिएटर के माध्यम से, उनके बाद के वर्षों में भी रचनात्मक प्रतिभा को प्रभावित और पोषित करता रहा। अंत में शशि कपूर का जीवन और करियर असाधारण प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा और कला के प्रति समर्पण से चिह्नित था। एक बाल कलाकार के रूप में अपने शुरुआती दिनों से लेकर बॉलीवुड के सबसे प्रिय सितारों में से एक बनने तक और बाद में थिएटर और आर्ट हाउस सिनेमा के संरक्षक के रूप में शशि कपूर ने भारतीय मनोरंजन पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका योगदान अभिनय से परे था, क्योंकि उन्होंने भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियों के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेष रूप से मर्चेंट आइवरी के साथ अपने काम के माध्यम से। अपनी पत्नी जेनिफर केंडल के साथ पृथ्वी थिएटर की स्थापना ने प्रदर्शन कलाओं को पोषित करने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को और मजबूत किया। शशि कपूर की विरासत न केवल उनकी कई हिट फिल्मों या उन्हें मिले पुरस्कारों में है,
बल्कि जिस तरह से उन्होंने भारतीय सिनेमा और थिएटर को आकार देने में मदद की उसमें भी है। उनके आकर्षण, अच्छे लुक और अभिनय कौशल ने उन्हें दर्शकों के बीच पसंदीदा बना दिया, जबकि सार्थक सिनेमा के प्रति उनके समर्थन ने उन्हें आलोचकों और साथी कलाकारों से समान रूप से सम्मान दिलाया। उनके निधन के वर्षों बाद भी शशि कपूर भारतीय सिनेमा में एक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी जीवन कहानी महत्वाकांक्षी अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं के लिए प्रेरणा का काम करती है, जो व्यावसायिक सफलता और कलात्मक अखंडता का सही मिश्रण है। कपूर नाम भारतीय सिनेमा का पर्याय बना हुआ है। शशि कपूर के योगदान ने उस विरासत को बनाने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।